सो हे गाइस, दिस इज साइबर ऋषि बैक हियर विद द न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ कमांड्स के बारे में, जो कि आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और उसकी मदद से आप अपने पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और ज़्यादा नॉलेज ले पाएंगे। तो ज़्यादा देर ना लेते हुए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो करना स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक यहाँ पे छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ। जब आप अपने यहाँ टास्क बार में ऊपर देखेंगे कि ये क्या दिखता रहता है, सो अब हम इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी कि ये क्या है। जब आप लोगों ने अपना विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी चलाया होगा तो आपने देखा होगा उसके अंदर एक टास्क मैनेजर नाम की चीज़ होती है, जिससे आपको पता लगता है कि हमारी कितनी मेमोरी यूज़ हो रही है, कितना उसका प्रोसेसर यूज़ हो रहा है। सो वो बेसिक डिटेल हमें वहाँ पे दे देता है। तो उसकी जगह यहाँ पे, जैसा वहाँ पे विंडोज़ के अंदर आपका टास्क मैनेजर होता है, तो यहाँ पे ये सिस्टम मॉनिटर होता है, जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे हम प्रोसेसेस देख सकते हैं कि क्या क्या चल रहे हैं, ये रिसोर्सेज देख सकते हैं, सीपीयू हिस्ट्री, मेमोरी एंड स्वैप हिस्ट्री। तो ये बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो बस ये इतना सा मेरे को बताना था। अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी कमांड्स के बारे में। तो पहली कमांड आती है जो बहुत सारे लोगों ने यूज़ करी होगी, जिसका नाम है sudo apt-get, जिससे आप अपना सिस्टम को बेसिकली अपग्रेड करते हैं। सो ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने जब ऑनलाइन देखा था, मैंने थोड़ा सा यूट्यूब चला रहा था तो उस वीडियो के अंदर मैंने ये देखा था। तो बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये कमांड यूज़ करने से सिस्टम के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो वो मैंने अभी तक ये कमांड यूज़ तो करी नहीं है, सो बस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप ये कमांड यूज़ करें तो पूरी की पूरी एक बार रिसर्च कर लें कि क्या इशू आ रहे हैं। लोग इसके अंदर बोल रहे हैं कि ये इशू आते हैं। तो हम अपनी दूसरी कमांड के बारे में बात करते हैं, जिससे आप अपने पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम को मोर सिक्योर बना सकते हैं यूज़ करने के लिए। सो अगर आप इसको थोड़ा हैकिंग के लिए यूज़ लेते हैं या फिर आप थोड़ा सा ख़तरनाक वाला काम करते हैं, सो आपको अपना FTP और टेलनेट डिसेबल कर देना चाहिए, क्योंकि ये अनसिक्योर होता है। और अनसिक्योर इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर कोई भी इंक्रिप्शन नहीं होता। सो अगर आप इसको डिसेबल करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन जाके कमांड देख सकते हैं कि हाउ टू डिसेबल FTP और टेलनेट, तो आप उसको सिंपल डिसेबल कर सकते हैं। थर्ड कमांड हमारी ये आ जाती है, हम यहाँ पे इसको पहले अपना टर्मिनल खोल लेते हैं और टर्मिनल में उसको यूज़ करेंगे। सो हमारी ये कमांड है DPKG, इसका मैं यूज़ अभी आपको बताऊँगा। स्पेस दबा के दो बार ये हाइफन और LIST लिस्ट। सो इसके अंदर हमें पता लग जाएगा कितने हमारे प्रोग्राम्स यहाँ पे रन कर रहे हैं, कितने हमारे पैकेजेस यहाँ पे रन कर रहे हैं, सबकी लिस्ट हमें ये दे देगा। तो अभी ये बता रहा है लाइंस 123, हम इसको जैसे ही एंटर दबाते जाएंगे ये सारी चीज़ें हमें लिस्ट करता जाएगा और आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इसके अंदर हमारा चल रहा है इस वक्त। हम और नीचे जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें इसके अंदर हमारी रन कर रही हैं। अगर हम चाहें तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ताकि उसका कोई अगर यूज़ नहीं है तो हम इसे रिमूव भी कर सकते हैं। और रिमूव करना है तो उसके लिए हम कमांड लगाएंगे। तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ Ctrl+Z कमांड से, और Z मतलब Z, कुछ लोग Z बोलते हैं, कुछ लोग Z बोलते हैं। और यहाँ पे मैं आपको वो कमांड बता देता हूँ। तो हमें लगाना पड़ेगा sudo, क्योंकि हम उसको रिमूव करने वाले हैं तो sudo की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। apt उसके बाद स्पेस रिमूव हमने यहाँ पे लगा दिया, और उसका नाम, पैकेज का जो नाम है वो यहाँ पे डाल देंगे। जैसे ये है, हम इसका नाम डाल देंगे। मैं अभी रिमूव करके कुछ नहीं दिखाने वाला, क्योंकि पता नहीं कौन सी फाइल रिमूव हो जाए। तो बस मैंने इतना बताया कि हम उसको इस कमांड से रिमूव कर सकते हैं। दूसरे हम अपनी कमांड पे आ जाते हैं, जिसका नाम है जो कमांड है net और stat। ये विंडोज़ के अंदर भी कमांड होती है स्टैटिक्स चेक करने के लिए, हाइफन और ये है tulpn। हम जब इस पर एंटर मारेंगे तो यहाँ पे बेसिकली हमें पोर्ट्स के बारे में बता देता है, स्टेट्स बता देगा, लिसनिंग कर रहा है क्या है, बट अभी यहाँ पे स्टेट नहीं बता रहा। और बता दिया इसने UDP है, UDP 6 है। सो बेसिकली ये थोड़ी बहुत हमें डिटेल पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्मिनल से हमें प्रोवाइड कर देगा और बता देगा हमारा OS किस डेटा से कनेक्टेड है, क्या कनेक्टेड है, ये पोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन हमें देता है। तो यहाँ पे हमने 3-4 कमांड्स के बारे में देख लिया कि उनको कैसे यूज़ करना है। और भी बहुत सारी कमांड्स होती हैं, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं इन कमांड को यूज़ करने के लिए। तो अगर हम उन पर एक एक करके बात करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। तो इससे अच्छा होगा कि आप खुद से रिसर्च करें, गूगल पर जाके देख लीजिए पैरट्स की कमांड, या फिर पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम के ट्यूटोरियल्स, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ से आप अपनी नॉलेज ले सकते हैं। और इस वीडियो में यही था, ज़्यादा कुछ था नहीं। सो आई होप गाइस आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ज़रूरी है कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें जिनको इस चीज़ के बारे में सीखने का शौक है। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड स्टे ट्यून्ड।